आपके मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो दो बड़ी खबरें हैं बीडीओ बीपीडीओ के संबंध में। पहला है जो कि रविंद्र जुगरान जी ने किया, उन्होंने कहा है कि कुछ अभ्यर्थी उनसे मिले थे जिनके समस्या थी कि फाइनल सिलेक्शन को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि 900 से अधिक पोस्टें थी, लेकिन कुछ पोस्टों को आयोग ने रोक दिया था क्योंकि उनमें जो है उनके चयन परिणाम में जो है उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर मामला फंस रहा था। तो इस संबंध में कुछ अभ्यर्थी रविंद्र जुगरान जी से मिले, इसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादातर अभ्यर्थी उनके टिहरी और उत्तरकाशी से हैं और वो इस मामले को आयोग के सामने उठाएंगे और जो भी होगा निर्णय बहुत जल्द अवगत कराएंगे। पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट शिव प्रसाद सेमवाल जी ने किया है और इनका जो पोस्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है समझना। इन्होंने लिखा है कि स्नातक स्तरीय भर्तियों की सभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कर ली गई हैं और 20 से 25 दिसंबर के बीच फाइनल संतुष्टि आ सकती है। जैसे कि आपको पता है कि जो आयोग है वो विभागों को जो है फाइनल संतुष्टि भेजता है कि कौन से कहां पर जो है जाएंगे और इसके लिए आपको 20 से लेकर 25 दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग का जो पोस्ट रविंद्र जुगरान जी का दिखाया था उसमें भी मैंने यही चीज़ आपको कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्रों को लेकर मामला अटका हुआ है। हो सकता है कि इनका रिजल्ट जो रोका गया था वो भी आए और फिर फाइनल जो है एक संतुष्टि आयोग भेजे, क्योंकि आयोग को बार बार चीज़ें रिपीट ना करने पड़े। जितनी ज़्यादा आयोग चीज़ों को रिपीट करेगा उतना ही फाइनल जो है संतुष्टि डिपार्टमेंट्स के पास जाने में देरी होगी। अब देखते हैं क्या चीज़ें होती है, कोई भी निकल के अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।